उत्तराखंड के देहरादून में धूप और बादलों की आंख मिचौनी के बीच पारे में फिर उछाल आया और दिन भर भीषण उमस ने बेहाल किया। दिन भर बादल मंडराते रहे लेकिन वर्षा नहीं हुई। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार को दून और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और प्रदेश भर में बादल मंडराने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी है। देहरादून समेत आसपास के मैदानी क्षेत्रों में बादलों की आंख मिचौनी जारी है लेकिन मंगलवार को वर्षा न होने के कारण उमस बढ़ गई है। इसके साथ ही दून में तापमान फिर 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे के भीतर दून का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया जिससे बेचैन करने वाली गर्मी महसूस की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आज भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार है। निचले क्षेत्रों में झोंकेदार हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर यह येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार से प्रदेश भर में गर्जन के साथ तीव्र बौछारों के कई दौर और भारी वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही प्रदेश में मॉनसून की दस्तक भी हो सकती है।